दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे लोन का पैसा मिलता है उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी पैसे की नीड है और आप यहाँ पे पैसे के लिए बहुत जगह भटक चुके हैं, कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हमने आपको पीरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे यहाँ पे लोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर 5 लाख तक की लोन प्रोवाइड कर दी जाती है और लोन लेने के लिए केवल आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी की बेसिस पर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। पीरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होता है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल वाले सेक्शन पे क्लिक करके सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ओपन का बटन मिल जाता है, आप सिंपली ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं नवरात्रि का स्पेशल ऑफर मिल रहा है पर्सनल लोन पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंस्टेंट लोन भी मिल रहा है जिसमें कि आपको आईफोन 15 प्रो मिल जा रहा है। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है, सिंपली आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा समय लिया जाएगा और फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर मांगी जाती है जिससे कि ओटीपी वेरीफाई किया जाता है। तो दोस्तों आपको इस मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर फिलअप करना है। दोस्तों आप यहाँ पे एक बात की ध्यान रखिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, ताकि आपकी जो है सिविल स्कोर डिटेक्ट करने में यहाँ पे इनकी हेल्प हो सके और आपकी यहाँ पे आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे में गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, सिंपली ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके फोन नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड जाता है जिसको कि आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे में कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं जिसको कि आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे में वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं आपके सामने पेन डिटेल की पेज खुल के मिल जाती है। यहाँ पे आपको अपना पेन डिटेल प्रोवाइड करना होता है जिसमें कि आपसे यहाँ पे आपकी पेन नंबर मांगी जाती है। तो अभी के समय में पेन कार्ड तो सबके पास होगा, पेन कार्ड अपने पॉकेट से निकालिए और आप यहाँ पे पेन नंबर फिलअप करिए। उसके बाद नेम एज पेन का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आप अपने पेन कार्ड पे आपका जैसे ही नेम होगा सेम टू सेम आपको उस नेम को यहाँ पे फिलअप करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो आप पेन कार्ड के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे और नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली सारी डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई की जाती है और आपके सामने इंप्लॉयमेंट टाइप का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ इंप्लॉयमेंट टाइप। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सबसे पहले आई एम सैलरीड का और सेकंड में आई एम सेल्फ इंप्लॉयड का। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कहीं पे जॉब करते हैं तो आई एम सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका अपना बिजनेस होगा तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज खुल के मिल जाता है और आपका जो भी लोन का अमाउंट यहाँ पे अप्रूव हुआ है आपके सामने में मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे केस में हमें 45,000 का लोन यहाँ पे मिल रहा है। अगर वहीं हम यहाँ पे ईएमआई की बात करें तो दोस्तों 4,365 रुपया ईएमआई प्रति मंथ फिल करना होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 28.99% का इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे देना होता है और टेंसर की बात करें तो 12 महीने का टेंसर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो चेंज लोन टेंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सबसे पहला गेट मनी इन माई बैंक अकाउंट का और सेकंड में कॉल फॉर इंस्टेंट हेल्प का। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलिए इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे गेट मनी इन माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गेट मनी पे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि आपको कुछ स्टेप मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है, बैंक डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वर्क इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिटल केवाईसी करना होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे डिजिटल केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन खुल के मिल जाता है, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आपको नीचे में आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। तो जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको आप यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली ये सब सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेल्फी लेना होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टिक सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसीजर बहुत ही कंप्लीट करना होता है, आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे सेल्फी लेते वक्त इन तीनों बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें कि आपको जो है लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सेल्फी के वक्त आपको ना ही चश्मा पहनना है और ना ही आपको यहाँ पे कैप लगाना है, आपकी इमेज में किसी भी प्रकार का ब्लर नहीं होना होता है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे सेल्फी अपलोड करेंगे और नीचे में कंटिन्यू का
बटन मिल जाता है, सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहला स्टेप है यानी कि केवाईसी का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करना होता है, तो चलिए हम बैंक डिटेल फिल कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल फिलअप करना होता है, जिसमें कि सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, आप अपना IFSC कोड फिल करेंगे और आपके जैसे पासबुक में नेम होता है सेम टू सेम आपको यहाँ पे नेम फिलअप करना है और नीचे में कंफर्म एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ये सब सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में वर्क इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। उसके लिए यहाँ पे एरो का ऑप्शन मिल जाता है, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल वेरीफाई करना होता है दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो कौन सा कंपनी में क्या जॉब करते हैं उसको आपको फिलअप करना होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो कौन सा बिजनेस होता है आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है, तो दोस्तों अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अगर नहीं होगा तब भी आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको ई मैंडेट कंप्लीट करना होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे ई मैंडेट कंप्लीट करने का दो स्टेप मिल जाते हैं। सबसे पहला कि आप जिस बैंक अकाउंट के डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं उसका डेबिट कार्ड होगा, तो डेबिट कार्ड के माध्यम से ई मैंडेट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होगा तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी ई मैंडेट कंप्लीट कर सकते हैं। ई मैंडेट कंप्लीट करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपका जो भी लोन का अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के प्रोसेस चालू हो चुका है और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों ये कहने के लिए 5 दिन का समय लेता है, लेकिन आपको यहाँ पे आधे से 1 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।